Hi everyone. So I hope आपका last week अच्छा रहा है and you've been able to exercise at least most part of the week. And अगर आप नहीं कर पाए अभी तक it's okay. But you need to realize कि अभी laziness, procrastination को थोड़ा side में रखना है. हमें New Year के 10 दिन बीत चुके हैं तो it's high time that we get started with these exercises and you know bring in more consistency. वृंदा ने आपको बेसिक फ्लोर एक्सरसाइजेस दिखाई है, बहुत अच्छी तरह से दिखाई है, समझना मुश्किल नहीं है, तो आप उनको घर पे भी कर सकते हो, जिम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू आर फियरिंग कि आपको बाहर जाना पड़ेगा तो उसी की भी जरूरत नहीं है. यू हैव टू डू दिस ओनली एट होम एंड आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपको चेंजेस दिखेगा. अगर हफ्ते में एक बार किया, एक बार नहीं किया, अच्छी तरह से नहीं किया, नहीं चलेगा, आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा. सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट टू एक्सरसाइज ऑन अ मोर रेगुलर बेसिस एंड इफ यू हैव कॉट द वायरस एंड यू थिंक दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू यू नो डू द एक्सरसाइजेस तो इट्स टाइम वी नीड टू रियलाइज दैट वी नीड टू बिल्ड ऑन आर इम्यूनिटी. सो इस वीक के लिए लेट्स मेक अ टारगेट ऑफ इंक्लूडिंग फ्रूट्स ऑन अ डेली बेसिस. फ्रूट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी, बूस्टिंग योर एनर्जी लेवल्स एंड बहुत सारे विटामिंस होते हैं फ्रूट्स में जो आपको फूड में से नहीं मिल पाते हैं. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू इंक्लूड एटलीस्ट वन और टू सर्विंग्स ऑफ फ्रूट इन द डे एंड ट्राई हैविंग मोर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स. डोंट स्टिक टू वन फ्रूट कॉन्स्टेंटली. कभी सिट्रस फ्रूट्स यानी कि ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, पाइनएप्पल खाया तो कभी आपने एप्पल खाया, कभी बनाना खाया विच इज अ ग्रेट प्रोबायोटिक. सो यू नो ट्राई इंक्लूडिंग डिफरेंट फ्रूट्स the week and it can be seasonal fruits. You don't have to go for expensive ones always. जैसे कि kiwi हो गया, dragon fruit हो गया, नहीं, अपने simple banana है, चीकू है, ये सब भी चल जाते हैं. But having that fruit is very necessary. Now that's not very difficult, okay? आप एक fruit include कर दो सुबह के breakfast में, कभी शाम को include कर दिया, या फिर if you're busy with work or something, grapes रख दिए, grapes साथ में खा लिए काम करते करते, does not take any much of your time. Okay, so now many of us prefer having fruit juices instead of going for fruits. But you need to realize that having a fruit is any day a better option than drinking juice. Supposing, take an example of oranges. जब आप orange juice बनाते हो, usually आप 3 से 4 orange juices का एक glass आपका juice बनता है. जब भी आप खाते हो तभी आप सिर्फ एक ही ऑरेंज एट अ टाइम खाते हो. तो एक ऑरेंज में सपोजिंगली आपकी 100 कैलोरीज होती है और एक ग्लास जिसमें आपने 4 ऑरेंजेस यूज किए हैं जूस बनाने को, उसमें हो गई आपकी 200 कैलोरीज. सो द कैलोरी इनटेक बिकम्स हाई व्हेन यू आर टेकिंग अ जूस रादर देन ईटिंग अ फ्रूट. एट द सेम टाइम क्या होता है, जब आप फ्रूट जूस बनाते हो तो उसमें से फाइबर निकाल देते हो. मेनी अ टाइम्स यू आर एडिंग फाइबर बट मेनी अ टाइम्स यू रिमूव द फाइबर. तो फाइबर ही तो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है अबाउट द जूस एंड यू आर एक्सट्रैक्टिंग इट. सो इट मेक्स नो सेंस हैविंग द जूस. अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ विटामिंस जैसे कि विटामिन सी विच इज वेरी डेलिकेट. ओके, उससे ज्यादा एक्सपोजर मिला एयर को तो वो कम हो जाता है. तो जब जूस बनाते हो तब उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा कम हो जाता है. वैसे ही दूसरे सारे विटामिंस भी है जो बहुत अफेक्ट हो जाते हैं व्हेन यू आर मेकिंग द जूस इन द प्रोसेस. ओके, दैट इज व्हाई इवन पैकेज्ड फ्रूट जूसेस आर नॉट रियली प्रेफर्ड. सो गो ईट अ फ्रूट रादर देन ड्रिंकिंग जूसेस एंड गो फॉर सीजनल फ्रूट्स. जैसे कि तारगोला हो गया, यही सीजन में बहुत अच्छे मीठे तारगोला मिलते हैं, आइस एप्पल बेसिकली. सो ट्राई इंक्लूडिंग दीज मोर फ्रूट्स इन योर डाइट.